बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। 11वीं क्लास केमिस्ट्री पेयरिंग स्कीम 2024 लेकर आप खिदमत में हाजिर हुए हैं। केमिस्ट्री में इंशाल्लाह पूरे नंबर लेने का तरीका आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को पेयरिंग स्कीम की अच्छे तरीके से समझ आ सके। बेटा तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो बेटा ये पेयरिंग स्कीम आप लोगों के पास वाकई पहले से मौजूद होगी, लेकिन तैयारी किस तरीके से करनी है तो वो ये तरीका बताएंगे, ठीक है, हमारे साथ रहिएगा। यहाँ पर देखिए, ये पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए बनाई गई है स्कीम, और ये केमिस्ट्री इंटरमीडिएट पार्ट 1 2024 के लिए। बेटा आप लोगों के जो फर्स्ट 6 चैप्टर हैं, ठीक है, फर्स्ट 6 चैप्टर हैं, उनमें से आप लोगों के दो दो एमसीक्यू आएंगे बेटा। बाकी उसके अलावा जो आगे वाले हैं चैप्टर्स, उनमें से एक एक चैप्टर आएगा, ठीक है। 11 में से मतलब 6 आप लोगों के जो फर्स्ट वाले हैं, उनमें से जो 6 हैं उनमें से दो दो आएंगे, ठीक है। बाकी जो 5 हैं उनमें से एक एक आएगा, ठीक है। तो बाकी बेटा अब शॉर्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो तो हमारा एमसीक्यूज का होगा। क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 का पेयर बनेगा वो होगा चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 8 बेटा। इन तीन चैप्टरों में, चारों चैप्टरों में से हमारे क्वेश्चन होंगे तीन तीन, ठीक है। अगर आप लोगों को यहाँ से कोई चैप्टर इनमें से मुश्किल लगता है तो एक चैप्टर स्किप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक चैप्टर स्किप करना है, ठीक है। उसके अलावा बेटा आप लोगों ने फिर करने हैं चैप्टर नंबर 4 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 5 में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन, और चैप्टर नंबर 9 या 11 में से कोई एक कर लें, ठीक है, एक को स्किप कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट के लिए करना है बेटा। लेकिन पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को कहेंगे कि जो चौथा और पाँचवा है वो तो अच्छे तरीके से याद करना है, बाकी आगे वाले आप लोगों ने करने हैं तो वो रीड कर लीजिएगा, मतलब एक दफ़ा कंसेप्ट होना चाहिए आप लोगों के पास। इसके अलावा बेटा क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है उसमें से आप लोगों ने ना 9 में से कोई से 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 6 में से आप लोगों के 2 4 शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब चैप्टर नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 7, ठीक है, चैप्टर नंबर 10 स्किप कर सकते हैं यहाँ से। तो बेटा इसके अलावा अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो आप सब जानते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आप लोगों ने 5 में से कोई से 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो यहाँ पर गौर से सुनना है आप लोगों ने अब। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 जो है, 5 जो है, चैप्टर नंबर 1 और 4 में से पार्ट बने गए भी, और चैप्टर नंबर जो 3 है क्वेश्चन नंबर 6 वो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 में से होगा। इसके अलावा बेटा आप लोगों का चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 8 में से बनेगा, क्वेश्चन नंबर 7, चैप्टर नंबर हमारा हो गया 7 और 9 10 में से क्वेश्चन नंबर 8 बनेगा, और जो लास्ट वाला है बेटा उसके लिए ये है कि क्वेश्चन नंबर 9 में से चैप्टर नंबर 9 और 11 में से बनेगा, ठीक है बेटा। तो ये आप लोगों के साथ पेयरिंग स्कीम शेयर कर दी है, उम्मीद करते हैं आपको पेयरिंग स्कीम की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी बेटा। अच्छी तरीके से तैयारी करें, अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब करे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, जज़ाकअल्लाह।